अजमेर में आगामी दिनों में रामनवमी, महावीर जयंती और हनुमान जयंती का त्यौहार है और इन कई त्योहारों में जुलूस आयोजित किए जाएंगे। आयोजित होने वाले जुलूस को लेकर अजमेर जिला पुलिस अलर्ट पर है। अजमेर एसपी विकास शर्मा के निर्देश पर जिले भर में ड्रोन के जरिए छतों और सकड़ी गलियों में नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही थानाधिकारी अपने नेतृत्व में रूट मार्च भी निकाल रहे हैं, जिससे कि आगामी त्योहारों पर निकलने वाले जुलूस में किसी तरह का माहौल खराब ना हो और धार्मिक नगरी अजमेर का सद्भाव बना रहे। कोतवाली थाना क्षेत्र में भी शनिवार को थानाधिकारी सत्येंद्र नेगी के नेतृत्व में मदार गेट से ड्रोन के जरिए छतों और सकड़ी गलियों में नजर रखी गई। थानाधिकारी नेगी ने बताया कि राज्य सरकार के जारी आदेशों की पालना में अजमेर एसपी विकास शर्मा के निर्देश पर आने वाले दिनों में विभिन्न धार्मिक जुलूस व कार्यक्रम को देखते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र में छतों और सकड़ी गलियों में ड्रोन से नजर रखी गई है, जिससे कि जुलूस और त्योहारों पर किसी तरह की गतिविधि न हो। ये जो आने वाले समय में विभिन्न त्योहार जुलूस वगैरह निकलने हैं, उनका मार्ग हमारे थाना क्षेत्र से भी होकर निकलता है, उसी के मद्देनज़र चूंकि ये घना आबादी एरिया है, पास पास मकान है, मकान की छतों पर निगरानी के हिसाब से या ड्रोन से यहाँ चेकिंग की गई है और भविष्य में भी इस प्रकार की कार्य लगातार जारी रहेगी। नहीं, सब बिल्कुल बढ़िया शांति से रहा है और इस प्रकार की कोई अवांछनीय गतिविधि नहीं पाई गई, कंटिन्यू जारी रहेगी।